जयपुर समेत प्रदेश भर में चर्चित हो चुके हाउसिंग बोर्ड की ओर से विकसित किए जा रहे एनआरआई क्लब 21 का आगाज बहुत शानदार रहा है। एनआरआई क्लब 21 के आवेदकों को फील गुड कराने के लिए हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने फ्रेंडली पोलो मैच के आयोजन का अनूठा प्रयोग किया है, जो पूरी तरीके से सफल रहा है। राजधानी जयपुर के प्रतापनगर इलाके में विकसित किए जा रहे एनआरआई क्लब 21 को लेकर सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के लोगों में उत्सुकता है। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार हो रहा क्लब क्लबों की दुनिया में अपनी खास मौजूदगी दर्ज कराएगा। सदस्यता के लिए आवेदन करने वाले लोगों को फील गुड कराने के लिए हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने अनूठी पहल करते हुए रामबाग पोलो मैदान पर फ्रेंडली पोलो मैच का आयोजन हुआ। आरएचबी कमिश्नर अरोड़ा की पहल सफल रही। मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में एनआरआई क्लब 21 के आवेदक परिवार के साथ पहुंचे। बिना किसी टिकट और शुल्क के बिना पोलो मैच का आनंद लेने पहुंचे। आवेदकों ने हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर की पहल का स्वागत किया और आभार जताया। फ्रेंडली पोलो मैच का क्रेज इतना था कि मैच शुरू होने से पहले ही दर्शक दीर्घा खचाखच भर गयी। एनआरआई क्लब 21 और राजस्थान पोलो क्लब के बीच खेला गया फ्रेंडली मैच बेहद रोमांचक रहा। मैच 6-6 की बराबरी पर समाप्त हुआ। रोमांचक मैच में दर्शकों ने हर गोल पर जमकर हूटिंग की और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। फ्रेंडली मैच देखने राज आंगन सोसाइटी के सदस्य और हाउसिंग बोर्ड के कार्मिक भी बड़ी संख्या में पहुंचे। फ्रेंडली मैच देखने पहुंचे दर्शकों के लिए हाउसिंग बोर्ड की ओर से शानदार हाई टी का भी आयोजन किया गया, जिसमें आवेदकों ने परिवार समेत लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया। रामबाग पोलो ग्राउंड पर आयोजित हुए फ्रेंडली मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह हुआ, जिसमें दोनों टीमों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मैच के मुख्य अतिथि स्पोर्ट्स काउंसिल की चेयरमैन कृष्णा पूनिया ने हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा की तारीफ की और कहा कि जिस तरह पवन अरोड़ा ने हाउसिंग बोर्ड को धरातल से उठाकर बुलंदियों पर पहुंचाया है, उसी तरह पवन अरोड़ा की अगुवाई में तैयार हो रहा एनआरआई क्लब 21 भी नए आयाम स्थापित करेगा। प्रमुख सचिव यूडीएच कुंजीलाल मीणा ने कहा कि उन्होंने पहली बार दोनों का मैच देखा है, मैच शानदार रहा। इस मौके पर हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर विकसित होने वाले एनआरआई क्लब में अगले 6 महीने में अल्फ्रेस्को रेस्टोरेंट संचालित होने लगेगा और जल्द ही पूरा क्लब बनकर तैयार हो जाएगा। क्लब में 25 कमरे बनाए जाएंगे, जहाँ स्पोर्ट्स सुविधाओं के साथ ऑल वेदर स्विमिंग पूल और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पवन अरोड़ा ने कहा कि क्लब में सदस्यता लेने के लिए लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिखाया है। आवेदकों के लिए क्लब शुरू होने से पहले ही एक्टिविटीज शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में इस तरह के कई और आयोजन भी रखे जाएंगे, जो क्लब 21 के आवेदकों को पसंद आएंगे। फ्रेंडली मैच में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर डीजीपी उमेश मिश्रा भी मौजूद रहे। भारत में पोलो के एम्बेसडर नरेंद्र सिंह, नगर निगम ग्रेटर के आयुक्त महेंद्र सोने भी फ्रेंडली मैच के दौरान मौजूद रहे। शानदार मैच था राजस्थान पोलो क्लब के बीच में और एनआरआई क्लब के बीच में, दोनों ज्वाइंट विनर रहे और बहुत शानदार मैच रहा। और ये क्रेडिट मैं पवन अरोड़ा जी को ही देना चाहूँगी कि आपकी सोच है जो इसको यहाँ तक लेकर आई, और मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने हाउसिंग बोर्ड को धरातल से ऊंचाइयों तक लेके गए हैं, तो निश्चित तौर पर ये क्लब तो बहुत छोटी बात है, आप इसे जरूर ऊपर तक लेके जाएंगे। मैंने पहला मैच देखा और ये अच्छी बात है कि हमारे डिपार्टमेंट का ही देखा। दूसरी अच्छी बात है कि ये मैच का नाम था फ्रेंडली मैच। हाँ। और कोई भी मैच फ्रेंडली तब होता है जब दोनों टीम में से कोई हारे भी नहीं जीते भी नहीं, तो वो भी भाई लकी दोनों टीम बराबर रही। हाँ। तो रियली फ्रेंडली मैच था, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा गेम लगा। थैंक यू। देखिए, हाउसिंग बोर्ड ने एक नई तरह का काम हाथ में लिया। एनआरआई योजना में क्लब की जमीन अनुपयोगी पड़ी थी, लगभग 15,000 मीटर, जो शहर का सबसे बड़ा क्लब बनने वाला है, उसको हमने हाथ में लिया और उसमें आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं विकसित करने वाले हैं। 25 कमरे होंगे, स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटी होंगी, 2 स्विमिंग पूल होंगे जिनमें एक हीटेड पूल होगा। इतनी सारी सुविधाएं इकट्ठी करने के लिए हमको कुछ पैसे भी जुटाने थे, तो उसके लिए हमने आम आदमी के लिए मेंबरशिप ओपन करी। आम आदमी ने बहुत ही रुझान लेकर के उसमें मेंबरशिप दी और हमने करीब 22 से 24 करोड़ रुपया उसमें इकट्ठा भी कर लिया है और अब उसका टेंडर कर दिया, शीघ्र ही काम शुरू होने वाला है। तो उन आवेदकों को, उन कॉन्ट्रीब्यूटर्स को एक तरह से आप यूँ कहिए कि थैंक यू कहने के लिए ये मैच था। इस तरह से जो पोलो का जो इन्होंने टूर्नामेंट रखा, उसमें पार्टी इसको देख के बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने इस तरह से एक नए इनिशिएटिव ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आने वाले जो इवेंट्स होंगे वो इसी तरह से अच्छे आयोजित किए जाएंगे। मैंने इसमें मेंबरशिप ली है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लोग ठीक है। थैंक यू।
क्लब शुरू होने से पहले ही फ्रेंडली मैच के आयोजन से एनआरआई क्लब 21 आवेदन करने वाले लोगों का ये विश्वास और बढ़ा है कि हाउसिंग बोर्ड की ओर से तैयार हो रहा है ये क्लब जयपुर का नामचीन क्लब बनेगा। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में क्लब से जुड़े लोगों के लिए और भी ऐसे कई इवेंट आयोजित किए जाएंगे जो लोगों के लिए यादगार बनेंगे। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।